अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर फैज़ मोहियुद्दीन, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इनके साथ मौजूद हैं मिस्टर खुरम शेराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो आज हम जो है बात करेंगे OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में, कि ये होता क्या है और इसका जो तरीका इलाज है वो कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर कुरम शराज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, OCD के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना पसंद करेंगे? जी, OCD में बेसिकली क्या होता है कि अगर हम इसमें देखें कि एक अनवांटेड जो सोच होती है, जो बार बार आती है और वो हमारे लिए परेशानी का बाइस बन रही होती है, और उस सोच की वजह से हमारी सोशल, ऑक्यूपेशनल और लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, और जब उस पे एक्ट किया जाता है, कोई काम किया जाता है, यानी कि उस सोच पे अमल किया जाता है, तो वो हमारा कंपल्शन बन जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव में बेसिकली यही वाली चीज होती है कि एक अनवांटेड सोच पे जब आप बार बार रिएक्शन करते हो, वो इतना आपको मसरूफ कर देती है कि आप कई कई घंटे एक ही काम करते रहते हैं, और इवन कि कई दिनों तक एक काम करते रहते हैं। वो इसमें मुख्तलिफ तरह के, यानी कि देखने में चीजें आती है, कई लोग जो है वो कंटेमिनेशन से रिलेटेड चीजों को बार बार दोहराते, हाथ बार बार वॉश करते रहते हैं। कुछ लोग ऑर्डर कि वो अगर घर में है तो वो जो स्टेप्स होते हैं सीढ़ियों के वो काउंट करना शुरू कर देते हैं, बोटल्स वगैरह को, और टैंकर जो होते हैं वो ज्यादा हर चीज को ऑर्डर में रखने की कोशिश करते हैं, बार बार एक चीज इवन की होती है, उन्हें पता भी होता है। कई लोगों को इसके बारे में इलम भी होता है लेकिन वो फिर भी अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऑब्सेशन में, यानी कि इलम होने के बावजूद भी उनका जो एक्ट है वो रुक नहीं पाता, तो जिससे उनकी जो डेली फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। थैंक यू सर खुरम, आपने जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की। जैसा कि आपने बताया कि ये जो है एक अनवांटेड थॉट्स होती है, जिसकी वजह से जो है बार बार जो है इंसान वो थॉट्स के ऊपर जो है अमल करने की कोशिश करता है, जिसे कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं, और वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, जैसा आपने बताया कि चीज़ों को चेक करने की हो सकती है, कोई नोट गिनने की हो सकती है, बार बार हाथ धोने की हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके इलाज की, कि इसके इलाज को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। तो ये जो है इलाज, ये हम बात करते हैं स्पेशली मिस्टर फैज़ मोहियुद्दीन से कि इसका इलाज जो है वो कैसे मुमकिन है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, OCD की बात हो रही है, तो OCD के बारे में तो हम जान चुके हैं कि OCD है क्या, अब इसका इलाज कैसे मुमकिन है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में OCD का जो एक मर्ज है, ये हमारी अंदर एक एंजाइटी है और जो खौफ है, ये उसकी वजह से जो ऑब्सेशंस हैं कि हमें एक ही आती है, सोच आती है कि अगर हमने ये काम ना किया तो ये हो सकता है, उसके नतीजे से हमें खौफ आता है। OCD की बारे में खुरम साहब ने जैसे बताया है, उसमें एक जो बहुत ज्यादा खतरनाक उसकी एक है, टाइप है, वो मजहबी मटीरियल है कि हमारे बहुत सारे हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं कि जिनको हमारे जो मजहबी तौर पे ऐसे नाम हैं और ऐसी शख्सियात हैं, उनके बारे में बहुत ही ज्यादा गलत किस्म के थॉट्स आते हैं, और वो ये समझते हैं कि वो थॉट्स उनकी अपनी थॉट्स हैं, और उनमें फिर एक उसकी वो एक पछतावा उनमें पैदा होता है, जो कि बाद में डिप्रेशन का बायस बनता है। और हमने बहुत सारे ऐसे मरीजों को खुदकुशी करते हुए भी देखा है कि जो कि इस वजह से उन्होंने खुदकुशी की है कि हमारे ज़हन में अल्लाह के बारे में या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी ऐसी थॉट्स आती हैं कि जो कि सोशली हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो
जहां तक ट्रीटमेंट की बात है तो सबसे पहले तो मरीज को ये बताने की जरूरत है कि ये एक मर्ज है। ये अगर जो भी उसके जहन में कोई ऐसी सोच आ रही है वो सोच उसकी अपनी सोच नहीं है, वो एक मर्ज की सोच है। और उसकी सोच में और मर्ज की सोच में हमें फर्क उसको बताना होगा और उसको उस फर्क का एहसास करवाना है कि जो वो सोच रहा है वो कुछ और है और जो मर्ज उसको सोचने पर मजबूर कर रहा है वो कुछ और है, ताकि मरीज मर्ज की सोच को अपनी सोच ना समझे और उसके उसकी वजह से उसमें पछतावा उसमें इंड्यूस ना हो। और इसके अलावा जो ओसीडी है इसमें हम सीबीटी है, एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हम जिसको बोलते हैं, कि उसमें हम मरीज को उसकी सोचों के मुतबादल हम उसको बहुत सारी ऐसी सोचें सीखना हम सोचना सिखाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे हम ऐसे भी मरीज देखते हैं कि जिनको सिर्फ उनको ओसीडी की अवेयरनेस देने से ही वो उनमें बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और बहुत सारे ऐसे भी मरीज हैं कि उनको मेडिसिन की भी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पे ओसीडी का इलाज मेडिसिन से नहीं होता, इसका इलाज साइकोथेरेपी से ही होता है। थैंक यू सर कुरम, थैंक यू सर फैज। अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।